हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट 3 में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले 4.2 एक्सरसाइज, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपन ने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो पार्ट 3 में अपन को करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो भी किसके, लीनियर इनइक्वालिटीज के। तो कैसे करने आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझे, अपन एग्जांपल नंबर 8 से करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 8 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों से अच्छे से समझेंगे कि इनइक्वालिटीज के ग्राफ कैसे प्लॉट करने। तो 3 स्टेप में अपन को काम करना, एकदम अच्छे से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले ये इक्वेशन लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली लाइन ये नोट करनी है कि रिप्लेस इनइक्वालिटी विद इक्वेशन। तो जहां ये इनइक्वालिटी दे रखी है वह x इक्वल टू 2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब अपन नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट पुट करके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वैसे वैसे निकालने। तो y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां तो कुछ पुट करने को है नहीं, x की वैल्यू 2 ही रहेगी। y इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो अभी x की वैल्यू 2 ही रहेगी। y इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो अभी x की वैल्यू 2 ही रहेगी। बेसिकली x की वैल्यू 2 जो है, ये x इक्वल टू 2, यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, y की कुछ भी वैल्यू लो, x की वैल्यू क्या रहेगी 2, और अपन इसको यूज करके ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये ग्राफ कैसा आया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो, x क्या है 2, तो ये 1, 2, 2 पे डॉट लगा दिया। अब y की कोई भी वैल्यू लो लेकिन x 2 ही लेना है, तो x 2 ही लेना है तो अपन डॉट यहीं पे चलाते रहेंगे, y चेंज होता रहेगा, यहां जाऊंगा तो y 1 हो जाएगा, यहां जाऊंगा y 2 हो जाएगा, y 3, y 4, -1, -2 कुछ भी लो। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन होगी सॉरी इनइक्वालिटीज होगी उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, स्टेबल को बनाएंगे और फिर ग्राफ प्लॉट कर देंगे, एकदम सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से सुनना, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट पुट करना है, किसके अंदर, इनइक्वालिटीज में पुट करना है, इक्वेशन में नहीं, जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें पुट करना है। जनरली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, आप कुछ और भी पॉइंट पुट कर सकते हो। दोनों से समझाता हूं, अच्छे से समझना। जैसे मैं 0, 0 इसमें पुट करता हूं, जो भी क्वेश्चन होगा 0, 0 मतलब एक्स की जगह पे भी 0 और वाई की जगह पे भी 0। तो यहां तो सिर्फ एक्स ही है तो एक्स की जगह 0 रख दिया, तो एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये चीज कैसे कन्वर्ट होगी, 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 जो होता है वो 2 से कम ही है, तो इक्वेशन क्या हो रही है, ये इनइक्वालिटीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं 0, 0 पुट करता हूं और इस इनइक्वालिटीज में पुट करता हूं, ठीक है, एक्स की जगह भी 0 वाई की जगह पे भी 0, तो एक्स की जगह 0 पुट करूंगा, यहां तो एक्स ही दिख रहा है तो यहां 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये इनइक्वालिटीज सही है, सही है, 0 जो होता है वो 2 से क्या है, कम ही है। तो अगर ये सेटिस्फाई करे तो जो पॉइंट अपन ने लिया है उस पॉइंट की तरफ अपन को सेटिंग करनी है, और अगर वो रॉन्ग हो जाए तो पॉइंट के दूसरी तरफ सेटिंग करनी है। तो देखो 0, 0 कहां होता है, यहां पर हो रहा है, और ये पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस पॉइंट की तरफ सेट वो अपन क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो इस पॉइंट की तरफ सेटिंग कर, यहां से पूरा अपन ग्राफ क्या कर सकते हैं, पेंसिल से सेट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? मैं ऐसे एरो बना देता हूं, इस तरफ अपन क्या करेंगे, सेटिंग कर देंगे, ठीक है, ये अपने इस तरफ सेटिंग करेंगे, ये इसको डिनोट कर देते हैं। देखो मैं आपको समझाने के लिए एक और पॉइंट लेता हूं, सपोज करो मैं 3, 3 लेता, क्या लेता, 3, 3। देखो 3, 3 कहां होता है, ये 3 और ये 3, ये 3, 3 यहां पर होता, सही है, इसमें एक्स की जगह एक्स ही पुट कर सकता हूं, 3 पुट करता तो क्या आता, 3 लेस देन इक्वल टू 2। क्या 3, 2 से लेस देन है, नहीं, क्या 3, 2 के इक्वल है, नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो रहा है तो क्या करना है, जो पॉइंट पुट करने पे रॉन्ग आ रहा है उसकी तरफ ना करके उसके दूसरी साइड में सेटिंग करेंगे, तो इस पॉइंट की तरफ ना करके दूसरी तरफ, तो अभी ये इधर ही आ रहा है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन ही लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बस जो पॉइंट ले रहे हो उसको दिमाग में उसको अच्छे से रखना, उस पॉइंट को पकड़ो, अगर वो पॉइंट पुट करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो उस पॉइंट की तरफ सेटिंग कर देंगे, और नहीं तो दूसरी तरफ सेटिंग करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला लेते हैं, देखो एक और अच्छे से समझते हैं, 2x - y लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले वो का वही काम करना है, अपन को क्या करना है, रिप्लेस करना है इनइक्वालिटी इक्वेशन के साथ, तो लिख दिया रिप्लेस इनइक्वालिटी विद इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2x - y इक्वल टू 1 कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x - 1, वही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y -1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे y 3 आ जाएगा,
कर लेंगे ना, या x की जगह जीरो रखेंगे, टू इंटू जीरो कितना होता है जीरो, जीरो माइनस वन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की जगह वन पुट करता हूं तो टू इंटू वन टू, टू माइनस वन तो कितना आएगा वन, तो y की वैल्यू वन आ गई। x की जगह टू पुट किया तो टू टू जा फोर, फोर माइनस वन कितना हो गया थ्री। फिर ग्राफ प्लॉट कर देते, ये ग्राफ में अपने कोऑर्डिनेट बना दिए, पहला कहां पुट करना है जीरो कॉमा माइनस वन, ये जीरो कॉमा माइनस वन, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया जीरो कॉमा माइनस वन। दूसरा ये वाला पॉइंट कौन सा था वन कॉमा वन, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये एक्स में टू और वाई में थ्री। ठीक है, अब वो का वही अपन को क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, तो ओरिजिन ही ले लेते हैं। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन ले लिया जीरो कॉमा जीरो, तो यहां x की जगह पे भी जीरो पुट किया, y की जगह पे भी जीरो, तो टू इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो, तो क्या आ गया जीरो ग्रेटर देन वन। क्या जीरो वन से बड़ा होता है क्या, नहीं। क्या जीरो वन के इक्वल होता है, नहीं, तो ये इनइक्वालिटीज तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो जीरो का जीरो कॉमा जीरो पॉइंट अपन ने ये लिया था, अगर यहां पुट करने पे सेटिस्फाई होता तो मैं इस तरफ क्या करता सेटिंग करता, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अपन क्या करेंगे दूसरी तरफ क्या करेंगे सेटिंग कर देंगे, इस तरफ अपन पेंसिल से ग्राफ में पूरा ग्राफ क्या कर देंगे सेटिंग कर देंगे। ठीक है, ये अभी तो अपन एरो बना के छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोड ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, इस क्वेश्चन को करना है, तो अच्छे से समझना, जब मोड आए तो करना क्या है, तो बेसिकली क्या करना है, पहले तो एक बार y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री ऐसे लिख दिया, फिर जैसा ये साइन है हूबहू ये इस तरफ लगा देना, और जो यहां पर नंबर लिखा हुआ वो नंबर माइनस में इस तरफ नोट कर देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो वापस बताता हूं, y माइनस एक्स की जगह y माइनस एक्स, इस साइन की जगह ये साइन, थ्री की जगह थ्री, फिर ये साइन एक बार इस तरफ भी नोट कर देना है, और यहां जो भी है उसको माइनस में यहां नोट कर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है, दो दो बार करना है, तो एक बार तो अपन y माइनस एक्स इसके लिए करेंगे और एक बार इस सेट के लिए। ठीक है, इसको अपन माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और y माइनस एक्स ये y माइनस एक्स की तरफ मुंह खुला है देखो, तो ये इस तरफ लिखकर माइनस थ्री को इस तरफ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फिर अपन वही रिप्लेस कर देंगे इन इक्वलिटीज को किसके साथ, इक्वेशन के साथ, तो y माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे थ्री प्लस एक्स, फिर x की वैल्यू पुट की जीरो वन टू, और y की वैल्यू निकाल ली, जीरो पुट करेंगे तो थ्री आ जाएगी, वन पुट करेंगे तो फोर आ जाएगी, टू पुट करेंगे तो फाइव आ जाएगी, इस तरफ भी ऐसे कैसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वलिटीज को इक्वेशन के साथ, तो देखो ये y माइनस एक्स ऐसे कैसे, ये जगह इक्वल लगा देंगे माइनस थ्री की जगह माइनस थ्री, माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस एक्स आ गया, अगेन जीरो वन टू वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, जीरो पुट किया तो माइनस थ्री आया, वन पुट किया तो माइनस टू आया, टू पुट किया तो माइनस वन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक एकदम सिंपल सा हो गया अपने। इसके बाद अपन आगे क्या करेंगे, वही ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि यहां दो सेट दिख रहे हैं तो दो लाइनें बन जाएगी, पहले इन तीनों इन कोऑर्डिनेट को जीरो कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा फाइव, जीरो कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा फाइव यहां पर रखकर एक लाइन खींच ली, पूरी पूरी लंबी कर देना इसको। ठीक है, फिर ऐसे कैसे इन कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, अपन एक पॉइंट पुट करते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर, तो यहां पॉइंट वही जीरो कॉमा जीरो, ये कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ठीक है, तो जीरो कॉमा जीरो पुट करते हैं, तो देखो वाई की जगह जीरो और एक्स की जगह जीरो, तो इस तरफ जीरो आ जाएगा और क्या बन रहा है जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, जीरो थ्री से कम होता है, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी वाली इनइक्वालिटीज में भी पुट करके देखते हैं, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, यहां पे भी दोनों की जगह पुट करेंगे जीरो, जीरो माइनस थ्री से बड़ा होता है, ये भी सेटिस्फाई है, तो दोनों में ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेटिस्फाई होता है तो क्या करते हैं अपन सेडिंग क्या करते हैं पॉइंट की तरफ, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट की तरफ बोले, तो ये ओरिजिन इधर था, इस तरफ क्या करेंगे सेटिंग कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दूसरी वाली भी क्या कर रही है अपन को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसमें भी अपन सेटिंग क्या कर देंगे इस तरफ कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, ये अपन ने दोनों में ही कर दी। ठीक है, इस पूरे को बीच को अपन को क्या कर देना है सेडेट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन ने 4.2 में जो है वो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है सिंपल वाला और एक क्वेश्चन कैसा है मोड वाला। ठीक है, तो पहले ये कर लीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये अपने एग्जांपल नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें था x लेस देन इक्वल टू 2 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेम वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इनइक्वालिटी को इक्वेशन के साथ, तो इसकी जगह x इक्वल टू 2 लिख देंगे। फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की तो 2 ही आएगी क्योंकि यहाँ y तो है ही नहीं, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी 2 ही आएगी, y की वैल्यू 2 रखेंगे 2 ही आएगी, y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे 2 ही आएगी, इसका मतलब 2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सही है ना। अब फिर स्टेप 3 में क्या करते हैं, अपन एक पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं और ये इसमें पुट करते हैं, किसमें, इनइक्वालिटीज में। तो x लेस देन इक्वल टू क्या, नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, उसमें x की जगह अपन ने 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सही स्टेटमेंट है क्या, नहीं, 0 2 से बड़ा थोड़ी होता है, तो डजंट सेटिस्फाई, और जब सेटिस्फाई नहीं करती तो जो पॉइंट की वैल्यू अपन ने पुट की थी उस पॉइंट के अपोजिट साइड में अपन को क्या करना है, शेडिंग करना है। अगर ये सेटिस्फाई करता तो ये ओरिजिन था, इस तरफ शेडिंग करते, लेकिन सेटिस्फाई नहीं की तो इस तरफ शेडिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का सेकंड लेते हैं, वाई लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। सबसे पहले वही रिप्लेस कर देंगे इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में, तो यहां इक्वल का साइन लगा देंगे, वाई इक्वल टू -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वही x की वैल्यू पुट करेंगे, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y -3 रहेगा क्योंकि इस इक्वेशन में x की जगह ही नहीं, तो ये आ गई, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू -3 पर अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब वो का वही एक पॉइंट ले लेंगे, अगेन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, तो y लेस देन, और पॉइंट जो है वो इक्वेशन में नहीं इनइक्वालिटीज में पुट करते हैं, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल टू -3 है, यहाँ पे y की जगह 0 रख देंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू -3, तो 0 -3 से छोटा नहीं होता, 0 -3 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगेन इसने सेटिस्फाई नहीं की, अगर सेटिस्फाई करता तो मैं शेडिंग इस तरफ करता, ये एरो सारे इस तरफ लगाता ऐसे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं की तो उसकी अपो 0 इस तरफ था ना, 0,0, तो सेटिस्फाई करता तो इस तरफ लगाता, नहीं की तो दूसरी साइड में अपन ने क्या की, शेडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का पार्ट थर्ड, x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही पहला स्टेप अपन क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y, y की जगह 0 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, y की जगह -1 रखेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों पॉइंट को 0,0 को यहां डिनोट करके 1,2 ये 1,2 और ये -1 -2 बोले तो -2,1, मतलब x -2 है और y कितना है, -1, x -2 और y -1 पुट कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब बस शेडिंग इस तरफ करनी है या इस तरफ, तो जनरली अपन क्या करते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पुट करते हैं। अब यहां तो ओरिजिन से तो ये पास ही हो रहा है, तो मैंने पहले भी बोल रखा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो इस बार मैं लेता हूं 1,-1, देखो 1,-1 ये पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पुट करने पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने पर अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो शेडिंग इस तरफ कर देंगे, और नहीं होती तो शेडिंग उस तरफ कर देंगे। तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1, तो ये रही इनइक्वालिटीज, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह कितना रख दिया, -1 इंटू -2 कितना हो गया, +2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3। अब ये आ रहा है 3 लेस देन इक्वल टू 0, क्या 3 0 से छोटा या बराबर होता है, आंसर है नहीं, तो इन्होंने सेटिस्फाई नहीं की, तो अपन ने जहां पॉइंट माना था उसके अपोजिट साइड में अपन क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे, तो अपोजिट साइड में शेडिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो वही फर्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, ये साइन हटाकर इक्वल लगा देंगे, बोले तो इक्वेशन पैटर्न में लिख देंगे, तो 2x + 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, तो 6 माइनस 0 बोले तो 6, 6 अपॉन 3 कितना आएगा, 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 6 माइनस 6 क्या होगा, 0, 0 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट x की जगह क्या पुट करेंगे, -3, तो -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 12 अपॉन 3 कितना जाएगा, 4, ठीक है। अब ये प्लॉट कर देंगे, 0,2 ये 0,2, ठीक है, 3,0 और -3,4 ये -3, 4 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
पॉइंट कौन सा पुट करेंगे, इस बार ओरिजिन ही कर देते हैं वापस, ओरिजिन यहां है। अगर पुट करने पर अगर सेटिस्फाई होती है तो ओरिजिन की तरफ सेटिंग, नहीं तो दूसरी तरफ सेटिंग। तो पुट करके देखते हैं, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, तो जीरो जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो जीरो सिक्स से छोटा ही होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए अपन ने ओरिजिन की तरफ क्या कर दी, सेटिंग कर दी। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लेते हैं। तो देखो सेकंड का फर्स्ट अपन करते हैं, इसमें दे रखा है कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है, थ्री। ये मैं पहले भी बता चुका हूं मोड होने पर क्या करना है, तो वापस रिपीट करता हूं। देखो एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, ये इसी साइन के साथ ये इधर लिख देंगे, फिर ये जैसा सेट है वैसा का वैसा सेट इधर लगा देंगे, यहां जो चीज है उसको माइनस में इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे समझ लेंगे कि दो इनइक्वालिटीज है, दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, एक एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री ये इधर कर दी, और एक ये वाली इधर ले ली। इसमें देखो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, एक्स की तरफ, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। वही रिप्लेस कर देना इनइक्वालिटीज को, तो इधर हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, इधर हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स की वैल्यू तो माइनस थ्री रहेगी, इधर भी वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स की वैल्यू थ्री रहेगी। फिर अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो x इक्वल टू माइनस थ्री के लिए लाइन माइनस थ्री से पास हो जाएगी, ये किसके लिए है, x इक्वल टू माइनस थ्री के लिए, और ये वाली लाइन किसके लिए आ जाएगी, x इक्वल टू थ्री के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन वही पॉइंट लेंगे जीरो कोमा जीरो, और किस में पुट करेंगे, इनइक्वालिटीज में। तो एक इनइक्वालिटीज थी x लेस देन इक्वल टू थ्री, x की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, तो जीरो थ्री से लेस ही होता है, सेटिस्फाई है, तो सेटिंग किसके टूवर्ड्स में करेंगे, जीरो कोमा जीरो, तो अपन ने ये 0.0 की तरफ से, ये 0.0 इस तरफ है तो इस तरफ शेडिंग कर दी, ठीक है। आप पेंसिल से इन दोनों लाइन के बीच में पूरी शेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। x दूसरा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, इसमें भी x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, 0 माइनस थ्री से बड़ा ही होता है, अगेन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई तो शेडिंग किसकी तरफ करेंगे, 0.0 की तरफ, ये 0.0 ये लाइन, तो इस तरफ अपन ने शेडिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का सेकंड। बेसिकली ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन मैंने आगे कर दिया है, आप वहां से नोट कर लेना, बस स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो मैं करवाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस y माइनस 8, ठीक है। तो पहले इसको अपन नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म, मतलब इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लाएंगे, बोले तो एक्स और वाई एक तरफ और बाकी की चीजें दूसरी तरफ। तो वो करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस x को इधर ट्रांसफर कर दो, 3x में से लेस करके 2x लिख दो, प्लस y को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस टू वाई, माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वाई। लेकिन इनइक्वालिटीज में ऐसे करते नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो करना कैसे है, जैसे मुझे x हटाना है तो मैं दोनों ही साइड में क्या करूंगा, माइनस x एड कर दूंगा, तो इधर माइनस x एड करूंगा तो प्लस का x माइनस का x हट जाएगा x, और इधर माइनस एक्स एड करूंगा तो 3x में से एक एक्स कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2x। ये ऐसे कैसे, y ऐसे कैसे, माइनस एट ऐसे कैसे। अब मुझे y भी हटाना है तो दोनों तरफ माइनस y एड कर दूंगा, तो इधर माइनस y एड करूंगा तो माइनस का 2y और माइनस का y माइनस का 3y हो जाएगा, और ये y माइनस y जीरो हो गया, तो y भी हट गया। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप लेंगे, क्या लेंगे अपन, रिप्लेस इनइक्वालिटीज विद इक्वेशन। उसमें अपन क्या करेंगे, 2x माइनस 3y, या इक्वल का साइन लगा देंगे माइनस एट, और एक ऐसी टेबल तैयार कर लेंगे x और y से, फिर ग्राफ प्लॉट कर देंगे, फिर वही अपन कोऑर्डिनेट पुट करके सेटिंग कर देंगे। ये सब आगे किया हुआ, आगे की स्लाइड से नोट कर लो, एक और क्वेश्चन रहेगा वो करते हैं फिर। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो क्या करना है अपन को, मोड है तो x माइनस वाई ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, यहां पर वन की जगह वन, साइन की जगह साइन, और ये साइन ऐसे कैसे आगे भी लिख देंगे, और जो यहां वैल्यू है उसको माइनस में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन दो इनइक्वालिटीज हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। इस वाली में देखो ये वन की तरफ ओपन है मुंह, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इधर, और इस साइन को फ्लिप करके या माइनस वन की तरफ ही तो खोलना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आसानी रहे समझने में, आप ऐसे भी करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, रिप्लेस करनी है इनइक्वालिटीज को किसके साथ, इक्वेशन के साथ। तो ये साइन हटा के इक्वल लगा देंगे, इधर भी ये साइन हटा के इक्वल लगा देंगे, तो एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी, माइनस वन प्लस वाई,
और इसमें 1 प्लस y, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करते हैं 0, या 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक ऐसे कैसे यहां पर भी y की वैल्यू 0 1 2 पुट करते हैं, 0 पुट करने पर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 पुट करने पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 पुट करने पर 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करके दो लाइंस बन जाएगी, 0 माइनस 1 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1 0 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2, ये एक लाइन आ गई। इससे 1 कॉमा 0 ये रहे 1 कॉमा 0, 2 कॉमा 1 ये 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 ये 3 कॉमा 2, एक लाइन और आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आराम से हो सकता है यहां तक। तो फिर अपन को नेक्स्ट क्या करना है, अपन क्या करते हैं 0,0 पुट करते हैं, ठीक है 0,0 यहां पर है, पुट करते हैं, अगर सेटिस्फाई होगी तो इस तरफ सेटिंग, नहीं तो दूसरी तरफ। तो पुट करके देखते हैं इनइक्वालिटीज में, पहली इनइक्वालिटीज ये वाली लेते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स और वाई दोनों की जगह 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू माइनस वन, लेकिन 0 माइनस वन से लेस नहीं होता, बड़ा होता है, तो सेटिस्फाई नहीं हुई, और ये इस तरफ वाली भी सेटिस्फाई नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, तो दोनों में ही 0 कॉमा, इसमें 0 कॉमा 0 इधर है तो इस तरफ ना करके इधर की, इसमें भी 0 कॉमा 0 है इस तरफ ना करके इस तरफ की, तो दोनों तरफ ऐसे सेटिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ अपनी ये 4.2 एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। मिसलेनियस मैंने अभी किसी भी एक्सरसाइज चैप्टर की नहीं करवाई, मैं बाद में करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन एक्सरसाइज नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे एंड खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।